बांडेर में आज पटेल चौराहे पर स्थित आर्य भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें दतिया जिले के तीनों विधानसभाओं के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कमलापत आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत पक्की है और सभी कार्यकर्ताओं को साथ मिलकर पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक सारस्वत भांडेर से, कांग्रेस प्रत्याशी रक्षा संतराम सरोनिया भांडेर, कांग्रेस अध्यक्ष अनु भारती, जिला पंचायत सदस्य अशोक दांगी, बगदा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र यादव सहित कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा सभी कार्यकर्ताओं से अपील की आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत दिलवाएं। प्रदेश महासचिव और यहाँ के प्रभारी कमलापत आर्य जी से भी हमारे साथ, हमारे यहाँ के प्रभारी सुरेश झा भी है, सॉरी अनिल झा भी है, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी है, ब्लॉक अध्यक्ष जी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए, प्रदेश की जनता के लिए इतना अच्छा माहौल बना हुआ है कि बीजेपी के कुशासन से जो 15 साल से जनता त्रस्त थी, उससे अब मुक्ति मिलने पर। और आपका सवाल था पहले कि कांग्रेस भांडर में एक है या नहीं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल नॉमिनेशन फॉर्म्स वापस लेने की अंतिम तिथि थी 3 बजे तक जी। कोई भी कांग्रेस का आदमी ऐसा नहीं है प्रत्याशियों के सिवा, जो कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी उनके सिवा किसी ने फॉर्म भरा हो, अगर किसी ने भरा था तो वो वापिस ले लिया। आज पूरी की पूरी कांग्रेस, मैं भांडर की बात नहीं कर रहा, पूरे दतिया जिले की बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा साथी नहीं है जो कांग्रेस का है और वो कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहा, सब एक मंच पे हैं, काम कर रहे हैं। तो पूरी कांग्रेस आज एक होके अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम कर रही है। आप बताएं, पूर्व प्रत्याशी अनु भारती जी, क्या पूरी दलबल साथ के साथ, पूरी कांग्रेस पूरे दलबल जी के साथ, पूरी संपूर्ण कांग्रेस, महेंद्र बोध जी, केसरी चौधरी जी, कमलापत जी, आर अनु भारती, प्रभुदयाल जोरे, बारीलाल जाटव, भानु ठाकुर, सारी बिंगे जी, 15 साल के भाजपा के जो कुशासन है उसको उखाड़ फेंकेंगे। जनता हमारे साथ है, वह मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, लाने के प्रयास करेंगे। दूसरा, अपना जो एसआर प्लांट है उसके लिए भी हम अपने वरिष्ठ लोगों से निवेदन करेंगे कि वो उसको शीघ्र उसको संचालित कराएं, और उनाव को हम एक पर्यटन स्थल बनाने का कार्य करेंगे, नदी का रपटा बनाने का काम करेंगे हम, और उसको नगर पंचायत बनाने का काम करेंगे, और गौशालाओं का हमारे स्वयं अभी राहुल गांधी जी ने घोषणा पत्र दिया है कि हर गांव गौशाला खुलवाएंगे, हर ग्राम पंचायत पर, और हर व्यक्ति का, चाहे वो ऑडी हो चाहे ओवरडी हो, 10 दिन में हम 2 लाख रुपए का कर्ज, किसानों का ऋण माफ करेंगे और बिजली बिल हाफ करेंगे, ये हमारा। और जी, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बेरोजगार युवाओं के रोजगार के लिए हमारे स्पष्ट है कि हम जो पावर प्लांट्स हम उनको बनाएंगे, और हमारे जो, मैं जिला पंचायत सदस्य था उस समय भी, हमारे यहाँ बेरोजगारों के लिए हम रोजगार भत्ता देते थे, और स्टेडियम जो हम स्टेडियम बनाएंगे इंडोर, जो हमारा नहीं बना पाया, चला गया, उसको भी हम बनाएंगे। ये हमारा पूरी युवाओं के लिए खाना जो है, भांडर में क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए हम चूंकि अब सत्ता में नहीं है, विपक्ष में, तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। अब हम सत्ता में आने वाले हैं, आपको पता है, तो निश्चित रूप से हम सत्ता में आएंगे तो हम निश्चित रूप से विकास काम करेंगे। और ये कांग्रेस की ही कहन है कि जो आज जो विकास आपको देखने को मिल रहा है, और आपने 15 साल में विकास देख लिया है, और आपने 17 साल का हमारा कांग्रेस का विकास देख लिया, जहाँ इस देश में सुई नहीं बनती थी, आज हमारे ऐसा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का या कोई भी आरएसएस का ये कोई व्यक्ति बता दे कि किसी की कोई बलिदान इस देश के लिए दिया हो, कांग्रेस ने इस देश के लिए बलिदान दिया। कांग्रेस में कोई पर्टिकुलर चेहरा नहीं है सीएम का, तो क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ हमेशा जब लोग चुन के आते हैं इसके बाद हमारे यहाँ चयन होता है, ये हमारे पहले चेहरे से हमारा नहीं होता, हमारा कांग्रेस का समस्त सारे कांग्रेस ही हमारे चेहरा होते हैं। हमारे यहाँ पर
अपने यहाँ पर दो समस्याएं सबसे ज़्यादा प्रबल रही हैं। देखिए, पहले नंबर पर अपने यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन ये जी। उसके बाद में दूसरा है गायों की अवैध तस्करी जी। ये आपका क्या है इसमें आगे की रणनीति? अगर आप जीत कर आते हैं तो आप क्या इस पर अंकुश लगा पाएंगे? मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूँ कि आज के 15 साल पहले जाया तस्करी नहीं होती थी, रोड पर गाय नहीं मिलती थी। तो आप निश्चित समझ लीजिए कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपको ना तो रोड पर गाय मिलेगी ना आपको तस्करी देखने को मिलेगी। और रेत के मामले में क्या है? रेत का अवैध उत्खनन जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, आज इसके 15 साल पहले जाए तो हमारे यहाँ नहीं होता था, हमारे कायदे से ऑक्शन होता था, कायदे से रेत खननों का खाना जो है बीज दी जाती थी, खुद दी जाती थी। अब आप 15 साल में देखे गए कि पूरी खाना जो है रेत खाना जो है सीधी श्यामला हिल्स में चली जाती है। सारे कांग्रेस के वरिष्ठ और हमारा संगठन महिला कांग्रेस NSY सेवा दल समस्त हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सब एकजुट हैं और मेरी पत्नी रक्षा सरोनिया की जिताने के लिए पूरी तन मन धन से पूरे मेरे लिए काम कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और मैं समझता हूँ जो मुझे मेरी पत्नी को जो अपार समर्थन मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है और मेरे परिवार की जो राजनीति का जो मुझे जो मेरे भाई साहब ने और मैंने जो राजनीति यहाँ बाहर की है मैंने ईमानदारी से उसका आज मुझे हर जनता से हर गांव से हर क्षेत्र से मुझे उनका प्यार मिल रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आपने कहा कि आपको पब्लिक का प्यार भरपूर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार की गुटबाजी रही है पूर्व में, उस गुटबाजी को देखते हुए कि आपको लग रहा है कि वर्तमान में आपको जो आपके विरोधी रहे हैं उन लोगों का भी आपको मतलब यहाँ पर समर्थन भरपूर मिलेगा? मेरा कहीं कोई किसी से गुटबाजी नहीं रही, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं रहा। और आज आपको स्वयं देखने को मिल रहा है कि पूरा समस्त कांग्रेस, चाहे वो युवा कांग्रेस हो चाहे हमारे वरिष्ठ सीनियर कांग्रेस हो, आपके सामने समस्त हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी बैठे हैं, समस्त तीनों ब्लॉक अध्यक्ष जी आदरणीय खेमरिया जी बैठे हैं, आदरणीय हमारे रामकृपा जी जो दो बार के जिला पंचायत सदस्य हैं, और आदरणीय अशोक हमारे जो जिलाध्यक्ष भी हैं हमारे, और साथ में हमारे अनु भारती जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं। आपने तो मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि मेरी पत्नी चुनाव नहीं लड़ रही, मैं चुनाव नहीं लड़ा, मेरा पूरा चुनाव इंटोटल मेरा अनु भारती जी लड़ रहे हैं, और हमारे समस्त एक एक कांग्रेसी हमारे साहू जी को। अच्छा, पिछली बार जो था जो अपने यहाँ जो देखा गया था कि महेंद्र बौद्ध का जो गुट था तो खासतौर पर ये अपने यहाँ प्रचलित भी है ज़्यादा कि वो अक्सर जो है कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा दुर्भाव का काम कर देता है, वो उसके बारे में आपका क्या है? महेंद्र बौद्ध जो गुट है क्या वो आपके प्रति पूरी तरह के समर्थित है चुनाव में? शायद पहले मुझे नहीं मालूम कि कहीं उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है। वो कल भी मेरी जो है मीटिंग में आए हैं और वो आज किसी कारण से चूँकि दशवाड़ा चले गए हैं, वो आज भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होते, वो निश्चित रूप से वो भी उनका भी मुझे हृदय से उनका कहने का आशा है कि इस समय आपके यहाँ पे किसी प्रकार की गुटबाजी या कोई विरोधाभास नहीं है। आपको स्वयं देखने को मिलेगा, मेरे बिल्कुल कहीं किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। मुझे, मैं समझता हूँ कि वरिष्ठजनों का हर व्यक्ति का मुझे जो एक पिता को जो है पुत्र को प्यार जो है दिया जाता है, इस तरह से मेरे लिए एक पिता के रूप में मुझे मेरी पत्नी को मेरी और मुझे पुत्र के रूप में मुझे प्यार दे रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई मुस्लिम ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है आपके साथ? नहीं, बिल्कुल है। कौन है? अब किसी कारण से नहीं आ पाए होंगे चूंकि प्रचार चल। कौन है ब्लॉक अध्यक्ष मुस्लिम अशोक जी समीर से बिकी जी है वो जिलाध्यक्ष है नहीं यही है जिलाध्यक्ष है वो ब्लॉक अध्यक्ष कौन है अल्पसंख्यक शुरू हो गया। आप लोग देख ही रहे हैं कि दतिया जिले की 21 वार्ड है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है,
पर कांग्रेस की प्रत्याशी मृदुभाषी सरल मिलनसार प्रत्याशी श्रीमती रक्षा सरोनिया जनता के बीच में प्रत्याशी के रूप में टिकट जब तय हुआ उसके पहले बहुत से लोग प्रत्याशी बनना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने जो तय किया है उसके बाद हम सब प्रत्याशी पदाधिकारी तीनों ब्लॉक अध्यक्ष जिला अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के रक्षा सरोनिया के समर्थन में अभियान पुरजोर तरीके से चला दिया। मैं भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सरकार बने इस भावना के साथ कांग्रेस में प्रवेश किया है और जिस भावना के साथ प्रवेश किया है उसी भावना के अनुरूप कल से ग्राम सैंतरी जो दतिया और शेवड़ा का बॉर्डर है भांडे विधानसभा क्षेत्र का गांव है वहां से शुरू होकर 10-11 गांव हमने संदीप यादव ब्लॉक अध्यक्ष भांडेर ठाकुर दास हेमरिया ब्लॉक अध्यक्ष सालोन भी और अक्षा सरोनिया के पति श्री संतराम सरोनिया रमेश मौलिया जी जो सह ब्लॉक अध्यक्ष हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ 10 लगभग ग्रामों का जनसंपर्क शुरू किया। गांव में कांग्रेस की हवा भी है और भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी भी। हवा थोड़ी है लेकिन कार्यकर्ता एकजुट होकर उससे हवा को और बल मिला है और कांग्रेस के पक्ष में ऐसा लगता है कि भांडेर विधानसभा क्षेत्र अवश्य जीतेगा। जीत का अंतर ज्यादा हो इसके लिए हम लोग प्रयासरत। कल श्रीमंत महाराजा माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दौरा कार्यक्रम है और उसकी तैयारी में हम लोग लगे थे, इसलिए आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा जिसके लिए हम लोग समाप्त कर रहे हैं। मुझे भी एक दायित्व प्रदेश से मिला है महासचिव का और 3 विधानसभा क्षेत्रों का और प्रभारी जो लोग हैं उनके सहयोग से काम करने का आदेश हुआ है। मैं भी ईमानदारी से अपने लिए जितना करता उससे ज़्यादा रक्षा सरोनिया जी के लिए राजेंद्र भारती जी के लिए और कुंवर घनश्याम सिंह जी के लिए करूँगा। कांग्रेस जीतेगी तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत होगी। जो 15 साल में बदहाली महिलाओं का अत्याचार बेरोजगारी किसानों को मरना पड़ा सैकड़ों किसान ईश्वर को प्यारे हो गए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में नाराजगी का कारण है। दलित भी नाराज सवर्ण भी नाराज। आरक्षण के मामले में जो उन्होंने छोटी सी खाई थी उसको बड़ी खाई कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है और अब कांग्रेस की सरकार बने हमारा प्रत्याशी
भांडेल का जीत है, दतिया का जीत है, सोना का जीत है। इसी भावना के लिए हमने आप लोगों को यहाँ कष्ट दिया है। थोड़ी देरी जरूर हुई है, उसके लिए हम लोग सब क्षमा प्रार्थी हैं। जय हिंद।